नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। भोपाल में दृष्टि बाधितों का धरना 17 दिन से जारी है, जिससे राजनीतिक तौर पर भुनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस ने दृष्टि बाधितों के धरना स्थल पर जाकर उन्हें नाश्ता कराया और कहा कि उनके आंदोलन में वो उनके साथ खड़े हैं। दृष्टि बाधित सरकार से नौकरी और बुनियादी सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब अब तक सामने नहीं आया है। कड़ाके की ठंड में दृष्टि बाधित जल सत्याग्रह किया था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, हालांकि दोनों के बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला था। देखिए, अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि क्या रहता है कि ये अपना हक मांग रहे हैं, और जबकि अपने को पता भी है कि 22,000 जो पद है वो रिक्त है। ये सभी बच्चे यहाँ पे एजुकेटेड बच्चे हैं, तो इनकी इनकी योग्यता के अनुसार इनको पद दिया जाए, और जो इनकी मांगे हैं मांगे भी इनकी जायज़ है कि आज के समय ये सही बात है कि दिव्यांगों को 150 से 300 रुपये पेंशन मिल रही है, तो कम से कम 300 रुपये में आज होता क्या है, इनकी पेंशन की भी बढ़ाई जाए। और इन लोगों ने जो यहाँ पे 24 मांगे रखी है, अगर 24 मिलते कम से कम आधी मांगे, सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। लेकिन ये शर्मनाक बात है कि आज इनका 17वां दिन अनशन का है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसे प्रयास किए नहीं जा रहे। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।